Assalamu alaikum, dear students. I welcome you again in this offline class. It's the continuity of last year's question papers, which I have been showing you and doing and solving them, giving their answers of these questions. So today again, let us do this third question. Read the extract below and answer the questions given at the end. तो नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक तो उसको पढ़ के हमें लास्ट पर जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर्स देने. नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट अराउंड द माउस इज डल विंटरिंग हार्ट वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस. तो ये मुझे लगता है ये लिया गया है, ये एक्सट्रैक्ट आपकी किताब में जो पोइम है स्नोड्रॉप उसका है शायद. हाँ एग्जैक्टली उसी का है. तो इसने अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इस जो ये एक्सट्रैक्ट है इसमें से ही क्वेश्चंस दिए हैं. तो ये पूछते हैं हमें, पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज़ श्रंक द ग्लोब एंड हाउ. श्रंक जो है ये पास्ट है, श्रिंक का सिकुड़ जाना. तो किस चीज़ ने ज़मीन को, ग्लोब का मतलब है पूरी ज़मीन, किस चीज़ ने ज़मीन को श्रिंक किया है यानी सुकड़ा दिया है. तो ये एक्चुअली नेचर ही करता है सब कुछ. तो नेचर है श्रंक द ग्लोब टाइट बाय सीवियर विंटर. जो विंटर होता है तो बिटर कोल्ड जो होती है विंटर में, उसकी वजह से ज़मीन जो है श्रिंक हो गई है, टाइट हो गई है, सब चीज़ें जम चुकी हैं. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट सफरिंग्स डू द एनिमल्स अंडरगो इन द एक्सट्रैक्ट. तो क्या होता है इनके साथ, जो इस जो ये होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं, इनको इस विंटर में जब ज़मीन श्रिंक हुई होती है तो उसमें इनका भी हाल, उनकी मोमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाती है, वो मोमेंट नहीं करते हैं तो डल हो जाते हैं. तो हम इस तरह से लिखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं दे बिकम डल इन विंटर, दे बिकम लेस, मतलब वो एक्टिविटी जो उनमें होती है वो ख़त्म हो जाती है, दे लूज देयर एक्टिविटी, दे फाइंड नो प्लेस फॉर देयर शेल्टर, क्योंकि हर तरफ से बर्फ होती है. इसी तरह से हम कह सकते हैं उनको देखते दे सी डेथ ऑल अराउंड देम, तो उनकी जो मोबिलिटी है घूमने फिरने की वो ख़त्म हो जाती है. अब तीसरा क्वेश्चन है इसका राइट द मीनिंग्स ऑफ श्रंक. अभी मैंने आपको बता दिया श्रंक जो है ये पास्ट है श्रिंक की, श्रिंक मीन्स सुकड़ जाना, कोई चीज़ वॉल्यूम में या एरिया में कम होना, सुकड़ जाना, टाइट हो जाना. तो दैट इज़ तो ये श्रंक उसका मतलब है यानी बिकम स्मॉलर. इसी तरह डल्ड है, डल का मतलब है टू बिकम लेस एक्टिव, लेस लाइवली, यानी मुर्दा हो जाना है, वो नीम मुर्दा हो जाना. अब दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ. रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन इज गिवन एट द एंड. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड, इट शुड बी ब्लैक कलर, हु अटेम्प्टेड टू लाइफ एज ए ह्यूमन बींग्स वॉज पुश्ड एंड आइसोलेटेड इन साउथ अफ्रीका. ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज inevitably ripped off from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो ये पैसेज जो है पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये लिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला. तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन इसने पूछा है इस एक्सट्रैक्ट में से, गिव द एंटोनिम्स ऑफ, एंटोनिम्स यू नो अपोजिट्स होते हैं, तो किसी चीज़ का अपोजिट उसको हम इंडिया यानी अपोजिट बिल्कुल होता है. जैसे इम्पॉसिबल है, इसका अगर हम अपोजिट लेंगे तो पॉसिबल हो गया, पॉसिबल होता है मुमकिन, इम्पॉसिबल होता है नामुमकिन. पनिश, पनिशिट
यहाँ पास्ट में दिया है पनिश, पनिश मीन्स कोई सजा देना। तो पनिश का एंटोनिम जो है अपोजिट है दैट इज रिवार्ड। अगर हम किसी को रिवार्ड देंगे, कोई इनाम देंगे या किसी चीज़ का ये देंगे, एजाज देंगे, तो उसका अपोजिट जो है वो पनिश है। फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, तो हम कह सकते हैं कि फुलफिल का मतलब अगर पूरा है तो अपोजिट इसका है नेगलेक्ट, या हाँ नेगलेक्ट ठीक रहेगा। इसी तरह सीक्रेसी, सीक्रेसी का मतलब होता है खुफिया, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं ओपनली, या हम कह सकते हैं इसको पब्लिक पब्लिसिटी। अब फिल इन द ब्लैंक सूटेबली, तीसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका दिया सेकंड पार्ट, वो हमें पूरा करना, आधा सेंटेंस दिया है आधा हमें पूरा करना है। जैसे इन साउथ अफ्रीका इट वाज इम्पॉसिबल, क्या था, अब देखिए यहाँ क्या है, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर, अब इसका बाकी हम लिखेंगे ये, ऑफ ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दिस ऑब्लिगेशन, हो गया कम्प्लीट। इफ ए मैन ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी ही, ये देखिए ट्राई टू हिज ड्यूटी, तो आगे लिखेंगे टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिपीट फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम एज एंड वॉज फोर्स, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से इफ द ब्लैक्स ट्राई टू लिव ए ह्यूमन एज ह्यूमन दे, उनको क्या करते थे, ये देखिए ये है कलर, हु अटेम्प्टेड टू लाइफ एज ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, दे वर पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। द राइटर टॉक्स ऑफ डाइजेशन इन साउथ अफ्रीका, तो इस पूरी लेसन में राइटर किसकी बात करता है, साउथ अफ्रीका में क्या चल रहा था जिसके लिए लोग जिससे आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे, तो वहाँ अपार्थेड सिस्टम चल रहा था, यानी गोरे जो थे वो वहाँ के नेटिव्स को इन्फीरियर समझते थे जो ब्लैक कलर के थे, तो ऑन द बेस ऑफ कलर या उनकी रेस के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी वहाँ, तो उसको अपार्थेड का, तो ये द राइटर टॉक्स ऑफ अपार्थेड इन साउथ अफ्रीका। इसी तरह से एक और ये है, तो इंशाल्लाह इसको हम कल करेंगे, इसका बाकी हिस्सा इस पेपर का, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।